गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केमछो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब लोग जानते हैं कि दशहरा जो है वो सेलिब्रेट क्यों करते हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री राम ने जो है वो अपना रावण का को की बुराइयों का, रावण का अंत किया था और उन्होंने जीत हासिल की थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो लौट के अपने घर आते हैं तो फिर जब वो अपने अयोध्या पहुंचते तब दिवाली को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। हालांकि आपको आज बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे होंगे आपके दो सर्कल से, दोस्तों यारों से, इससे उससे कि दशहरे की अपनी बुराइयों को समाप्त करो, अपने मन की बुराई को देखो। मैं एक बात आपसे कहता हूँ कि दरअसल क्या होता है कि जब भी हर साल हम लोग जब जो है वो दशहरे का त्यौहार मनाते हैं तो एक प्रतीक स्वरूप हम लोग जो है रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को जो है वो ऐसे दिखा होगा आपने, हर शहर में दशहरा स्वरूप सेलिब्रेट करते हैं, उनको जो है वो उनको जलाते हैं, उनको नष्ट करते हैं। और ये एक सिंबॉलिक इवेंट होता है जो बताने के लिए कि भाई कि हम बुराइयों पर अच्छाई, बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक दिन का जो इवेंट होता है, त्यौहार जो होता है, वो आपको उस चीज़ का सिग्निफिकेंस बताने के लिए या आपको रिकॉल करवाने के लिए होता है। चाहे आप होली का त्यौहार देखिए आप, तो उसमें होलिका दहन जो होता है वो भी होलिका क्या थी, वो हिरण्यकश्यप की जो है वो बहन थी जो भक्त प्रह्लाद को जो है वो गोदी में लेके जलाने की कोशिश कर रही थी और खुद जल जाती है लेकिन भक्त प्रह्लाद का कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ये जितने हमारे त्यौहार होते हैं ना, ये हमें किसी न किसी घटना की याद दिलाते हैं हमें और उसका एक कंक्लूजन बताते हैं कि भाई कि अच्छाई पर हमेशा, बुराई चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा उस पर जीतती है, ठीक है। लेकिन क्या हमें इस एक दिन के त्यौहार के बाद बाकी फिर पहले जैसा हो जाना चाहिए? दरअसल ये जो त्यौहार आते हैं ये आपके जीवन शैली को प्रभावित करने के लिए होते हैं। वो इसलिए होते ताकि आप अपने जीवन शैली में इन चीज़ों को समाहित कर लें, अपने लाइफ स्टाइल में इसको इनकॉर्पोरेट कर लें आप। जैसे आजकल मैं क्या देखता हूँ, आजकल मेरी कल एक बड़ी एक दो दिन पहले मैं किसी जगह गया हुआ था, वहाँ पे देखा मैंने कुछ स्कूल के बच्चे जो है वहाँ पे खड़े हुए थे और वो एक ऐसा सिगरेट पी रहे थे जिस सिगरेट से जो है वो उसमें जलाना नहीं पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट बोलते हैं, वेप बोलते हैं, निकोटीन वेपोराइजर होता है वो, उसको वेप वर्ड यूज करते हैं, वो यूज कर रहे थे। हालांकि बैन है, बेचना खरीदना सब इंडिया में बैन है, लेकिन वो अवैध रूप से अवेलेबल होता है। उसमें शायद वो निकोटीन का कुछ वो कैप्सूल डालते हैं उसमें और उसके बाद वो जो लोग उसको उसमें इलेक्ट्रॉनिक होता है मुंह में उसको सक करते हैं, फिर धुआं निकालते हैं बाहर, वो उसमें जो है वो मामूली सा धुआं होता है लेकिन निकोटीन का किक आता है उसमें। और जब मैंने जो है वो एक दो बच्चों से पूछा, मैंने अपने बेटे से भी मैंने पूछा क्या इस तरह की कोई चीज़ स्कूल में यूज़ करते हैं, उसने बताया कि हाँ स्कूल में कई बच्चे हैं जो ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं, वेब बोलते हैं। मैंने पूछा साफ साफ अपने बेटे से कि तुमने तो कभी यूज़ नहीं किया इसको, तो बोलता नहीं मैं फुटबॉल खेलता हूँ और उससे वो जो है वो लंग्स पर असर पड़ता है इसलिए एक सब चीज़ें को यूज़ नहीं करते। तो मतलब हमारी जो लड़ाई है ना वो इन बुराइयों से भी है जो बहुत छोटी दिखती है हमको, पर आपके अपने स्वास्थ्य पर और एक समाज के एक पूरे के पूरे जो हम कहते हैं ना जिसको पूरे पूरे के पूरे समाज का एक परिदृश्य उस पर असर डालती है। दूसरा मैं एक बात और देखता हूँ जिसे कहना कि पता नहीं मैं इस बारे में सही हूँ या गलत हूँ, मुझे नहीं मालूम ये बात, लेकिन मैं बोलूँगा जरूर इस बात को आपसे, वो ये है कि अभी मैं देखता हूँ कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो है ना क्या बोलते हैं एटीट्यूड जो है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि लड़कियों पर जो है वो अपराध पिछले कुछ सालों में बढ़े हैं, ठीक है। जरा कोई बात हुई तो लड़की को पलट के मार दिया, लड़कियों को छत पे अपराध घट गया उसमें, ठीक है। पहले लोग जो है वो पहले लोगों के दिमाग में एक चीज रहा करती थी कि नहीं महिलाओं पर हाथ नहीं उठाना है, महिलाओं पर जो है वो उनको पलट कर मतलब गलत नहीं बोलना है, ऐसा लोगों के दिमाग में रहा करता इन जनरल जेंडर की बात करें। लेकिन अभी हाल ही में ये चीज़ टूट गई कि अभी भाई जो है कुछ हुआ, गाड़ी टकरा गई तो लड़की ने कुछ बोला तो लड़के ने उसको डांट दिया, फिर दोनों उसने उसको थप्पड़ मारा, उसने उसको थप्पड़ पलट के मार दिया, मतलब अभी बिल्कुल वो इक्वलिटी। तो ये इक्वलिटी जो आई ना इस लेवल पे, ये इक्वलिटी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डेंजरस है।
क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, फिजिकली बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंट होते हैं, और दूसरा ये है कि मेरा मानना यह है कि जब तक एक इनबिल्ट रिस्पेक्ट आपका गर्ल्स के लिए बॉयज के मन में नहीं होगा ना, तब तक ऐसी घटनाएं जो होती हैं जो एकदम आवेश में हो जाती हैं, इन पर कंट्रोल पाना मुश्किल होगा। जैसे हमें अच्छे से ध्यान है कि जो है जब हम लोग स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे ना, तो मतलब गलती मान लीजिए लड़की की भी गलती है तो भी जो है वो लड़के जो है वो जनरली जो उसको अवॉइड मार दिया करते थे, उस पर स्ट्रांग रिएक्शन नहीं दिया करते थे, अभी स्ट्रांग रिएक्शन आते। अभी ग्रुप की भी अंदर भी जो जो ग्रुप एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में भी जो जो एक्ट होता है उसमें भी वैसे सब एक बराबर पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कोई चीज है एक दूसरे से कम्युनिकेशन में भी जो है वो रिस्पेक्ट नहीं रह गया जो एक इनर रिस्पेक्ट बॉयज गर्ल्स के बीच रहा करता था। अब देखो ये हो सकता है कि मैं आपको लगता हूँ सर एक जनरेशन दो जनरेशन सर पुराने हैं इसलिए सर ऐसी बात कर रहे हैं। मेरा मानना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कि हमको एक मर्यादा की लकीर खींचनी होती है, वो जरूरी इसलिए होती है कि हम बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं जो हमको हमारे आसपास दिख रही ना, उनका सॉल्यूशन कई बार मन में होता है। आप कोई कानून बनाकर बहुत सारी चीज़ें करके आप इम्प्लीमेंट करके नहीं कर सकते, आप वो आपके मन के अंदर होता है, इनबिल्ट होता है वो, किसी की मदद करना, आगे बढ़कर आना उसके लिए, ये सब आपके कोर वैल्यूज में शामिल होना चाहिए। हमारे दो तरह के सर्कल होते हैं, एक होता हमारी इनर कोर वैल्यूज होती है हमारी, और एक एडॉप्टेड वैल्यूज होती है हमारी। इनर कोर वैल्यूज में भी आपने कुछ चीजों को डाल लिया आपने कि आपको किसी की मदद करना है, आपको आपको जो है वो महिलाओं का रिस्पेक्ट करना है, आपको महिलाओं को भी चाहिए कि वो महिला ये बात ये महिलाओं के लिए भी लागू होती है कि दे शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट कि वॉट दे आर सेइंग, क्योंकि वो यदि आप इक्वलिटी से जैसे आप इक्वलिटी इन चीज़ों में करेंगे, आप जब कहता हूँ आपसे कि इक्वलिटी वहाँ कीजिए जहाँ पे एकेडमिक्स की बात चल रही है, इक्वलिटी वहाँ कीजिए जहाँ पर राइट्स की बात चल रही है, अधिकारों की बात चल रही है, जहाँ पर बात चल रही है आपके कुछ आपको जॉब की एजुकेशन की वहाँ इक्वलिटी कीजिए। लेकिन ईश्वर ने मेल और फीमेल को डिफरेंट बनाया, तो वहाँ पे हमको इनर एक दूसरे के लिए एक तरह का रिस्पेक्ट तो रखना पड़ेगा। तो मैं वही कहता हूँ कोर वैल्यूज को अफेक्ट करने वाली बुराइयों से दूर हटिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो हमको हमको सोचनी पड़ेंगी, माननी पड़ेंगी। मैं ज़्यादा उलझाता नहीं इसमें आपको, मैं वही बोलूँगा आपसे कि आज मेरी चिंता जो है वो ये है कि हम लोग सिर्फ एक दिन त्यौहार बनाकर ना रह जाए, हम उसकी लर्निंग्स को लेकर चले। अगले साल जब ये त्यौहार मने तो हमको लगे कि हाँ हमने रावण जो है वो मेरे अंदर कोई रावण नहीं, सब रावण जो है वो एक प्रतीक मात्र है, वो कि जो चीज़ें घट रही हैं बुरी चीज़ें आसपास हो रही हैं उन चीज़ों के बारे में हमारा परसेप्शन क्या क्या सोचते हैं। जैसे मैंने कहा था वॉर हो रहा है, यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, इसराइल और हमास का वॉर चल रहा है, तो हमको ये कि कौन सही कौन गलत की बजाय हमको सोचना चाहिए कि जो आम आदमी वहाँ प्रेजेंट है, चाहे वो इसराइल के अंदर हो चाहे वहाँ हो दूसरे अपोजिट साइड में हो, उन आम लोगों की ज़िंदगी पर कितना गहरा असर पड़ा, जिनके पास पीने को पानी नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं है, तो वो तो हमारी कंसर्न जो है वो हमारी हमारा जो कंसर्न है वो ह्यूमन बींग से एक मनुष्य से होना चाहिए। जो सीमाएं हमने बनाई हैं वो आज के हजारों वर्ष पहले वैसी नहीं थी, सब हमने बनाया हुआ, सब हमारे दिमाग की उपज हो, लेकिन प्रकृति में जीव तो हम है ना। तो मेरा मतलब यही कि हम बहुत चीजों को जज करने के बजाय हम उसमें कैसे लोगों की मदद कर सकते ये हमको सोचना चाहिए। और एक बात और मैं आपसे बोलूं कि गलत हमेशा गलत होता है, गलत चाहे कोई करे, गलत चाहे कोई करे, गलत गलत होता है। जितने भी वॉर हुए उसमें एक पक्ष की स्ट्रांग गलती रही है, दूसरा पक्ष जो उसके लिए रिवेंज के लिए आया तो वो भी गलत। मैंने कहा ना कि कई बार क्या होता है कि गलत भी कंपैरिजन में आता है, क्या क्या ज़्यादा गलत क्या कम गलत, पर मैं कहता हूँ गलत चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो गलत तो गलत होता है, ठीक है। तो आप सोच रहे हो सर आप कहना कहते, तो मैं इतना यहाँ पर बोलना चाहता हूँ आपसे कि जितने भी त्यौहार आते हैं ना उनके पीछे की कहानी दिमाग में रहना चाहिए,
और उस कहानी की प्रेरणा जो है वो काफी दिन तक हमारे मन में रहना चाहिए। अब आपको किससे, आपसे भी एज ए स्टूडेंट में पूछूं कि भाई सर हम क्या करें, तो मैं बोलता हूं आपको आलस्य को मारना होगा, आपको असफलता को मारना होगा, अवसाद को जो डिप्रेशन है उसको मारना होगा और आगे बढ़ना होगा। आपके अंदर का राम, आपके अंदर के आलस जो कि रावण के समान है, आपके अंदर की जो निराशा जो रावण के समान है उसको खत्म करेंगे वो और आपको सफलता दिलाएंगे। तो आज के त्योहार पर मैं यही बोलूंगा कि आप उन बातों को हटा दें जो बातें आपको पीछे रख रही हैं और अपने अंदर के राम को जगाएं। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।